Hello friends, welcome back to channel. So today is a Sunday, and as reading in title, I am heading towards Hare Krishna TVS at Kandivali for doing the third service of my beast. The odometer is currently around 11,900 something. Ek saal ek mahina complete ho chuka hai meri bike ko, and jaldi jaise ye टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के सब व्लॉग्स आ जाते हैं उसके बाद मैं मेरा ओनरशिप रिव्यू का वीडियो रिलीज करूंगा चैनल के ऊपर. विल डिस्कस ऑल द प्रोज एंड कॉन्स विच आई फेस ऑन दिस बाइक. विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. तो अभी बात करते हैं थर्ड सर्विस के बारे में. सो थर्ड सर्विस करने से पहले TVS ने हर एक RR310 ओनर को SMS किया है दैट डू विजिट यूर नियरेस्ट TVS सर्विस सेंटर एंड अपग्रेड योर अपाची फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में दे आर चार्जिंग फॉर दिस फ्री अपडेट्स. तो अभी क्या है फ्री अपडेट्स मैं आगे बताऊँगा, बट प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल आर फ्री. इफ एनी ऑफ योर TVS सर्विस सेंटर और शोरूम पीपल आर आस्किंग फॉर द मनी डायरेक्टली रिपोर्ट टू द TVS. सो ये जो अपडेट्स है, जो हैवी हैंडल बार वेट्स, चेन रोलर और ये रबर, सब ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो मेरे बाइक के ऊपर ऑलरेडी अपडेटेड है. इन सेकंड सर्विस दैट मीन अराउंड 6 महीने पहले ही मैंने मेरे बाइक के ऊपर वो सब अपडेट इंस्टॉल करवा लिए थे TVS से, और मैंने बता भी दिया था TVS का रिस्पांस कितना. और आप लोगों ने स्टिल मेरा सेकंड सर्विस का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आई बटन में मिल जाएगी, आप देख लीजिए अभी. सो अदर देन दिस ECU अपडेट, जो मेजर अपडेट थी उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो मेरे चैनल पर अपडेट किया है, तो उसकी भी लिंक अभी आई बटन में आ जाएगी, आप देख लीजिए. सो ये जो अपडेट्स की बात कर रही थी वो सब अपडेट्स ऑलरेडी मेरे बाइक के ऊपर अपडेटेड है. बट मुझे कुछ सोर्स से पता चला है कि TVS ऑल्सो अपडेटिंग द सीट ऑफ RR310 एंड Visor 2. जिस उड़ती खबर मिली है जरूर बताऊंगा फ्यूचर व्लॉग्स में. जो नई सीट की जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी RR310 जो 2019 एडिशन लॉन्च हो चुकी है, कुछ कुछ लोग ने डिलीवरी भी ली है, उसके अंदर वो सॉफ्ट कुशन वाली सीट ऑलरेडी इंस्टॉल है. सो भाई ये सॉफ्ट और कुशन वाली सीट मेरे तो कुछ काम की नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी शोन इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट आई हैव अप्लाइड 2 एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन ऑन माई RR310 राइडर सीट एंड ऑल्सो एज पिलियन सीट, बिकॉज बॉस कुशन तो बनता है, बिकॉज जो स्टॉक सीट है वो बहुत हार्ड है. अराउंड 4000 की जो राइड की है उसके अंदर तो पॉसिबल नहीं था. तो बिफोर दैट राइट आई हैव अपडेटेड द सेम, उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपडेट किया अपने चैनल के ऊपर, देख लीजिए आई बटन में. क्या अपने चैनल पे ना सब आप लोगों के लिए सब अपडेटेड रहती है, जस्ट आप लोग देखते रहिए और अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए वीडियोस को. तो अब बात करते हैं Visor की. Visor का एग्जैक्टली कोई डिज़ाइन मुझे पता नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस Visor से जो वाइब्रेशन आ रहे थे बिकॉज ऑफ दैट दे इंस्टॉल दिस रबर ग्रिप. और जैसे ही एक रबर ग्रिप, एक मिनट इसको ओवरटेक करता हूँ. हाँ, तो ये जैसे ही ये रबर ग्रिप डाल दी है Visor के अंदर और ओडोमीटर के गैप के अंदर, वाइब्रेशन बहुत सारे कम हो चुके हैं Visor के. और जो Visor का जो डिज़ाइन है विच इज़ वेरी बेस्ट इन इट्स क्लास फॉर एरोडायनामिक्स. TVS के जो कमर्शियल लॉन्च हुए थे उसके अंदर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था स्पेशलिटी ऑफ दिस Visor, ये कैसे विंड्स को ऊपर से बाहर फेंक लेता है. हाथ नहीं छोड़ना है भाई, बिकॉज ये वही ब्रिज है जहाँ पे हमने फेस किया था टैंक स्लैपर. सो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया था भाई हाथ छोड़ के मत चलाओ, केयरफुली चलाओ. देख लो भाई, नहीं छोड़ूंगा, आपसे ऐसे ही बात करूँगा. और मज़े की चीज़ है, सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं सेकेंड सर्विस कराने जा रहा था मेरे RR310 की. तो अभी है थर्ड सर्विस, तो एग्जैक्टली 6 महीने हो चुके हैं. ये खड्डे मुझे बहुत संभाल के चलाने पड़ते हैं. आप लोगों ने अभी मेरे टैंक स्लैपर का वीडियो नहीं देखा है, चलो उसकी भी लिंक आई बटन में आ जाएगी. ये जॉइंट देखिए, ये जॉइंट, हाथ नहीं छोड़ना है. तो बहुत बैडली और डेडली आई कैन से टैंक स्लैपर फेस किया था मैंने, देख लीजिए आप. और जो टैंक स्लैपर जो फेस किया था मैंने वो क्यों हुआ था वो आप लोगों को भी बताइए. लेफ्ट हैंड साइड का फ्रंट फोर्क लीक हुआ था, तो उसकी वजह से टैंक स्लैपर मुझे फेस हुआ था. सेम प्रॉब्लम और भी RR310 ओनर को ने फेस किया है, तो वो प्रॉब्लम भी अवॉइड करने के लिए TVS ने फोर सील के रबर को
टाइट करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है, तो उसका एक फोटो अभी दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। सो ऐसे एक स्प्रिंग लगने वाली है फोर्क के ऊपर, ताकि फोर्क लीक अवॉइड कर सके। अगर ये एड ऑन अभी तक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे मुंबई में, बट ये एड ऑन जैसे मैंने बताया 2019 RR 310 है, उसके अंदर ये डिफॉल्ट ही आता है। और 2019 का जो इंजन है उसका टैपेट भी बहुत अच्छी तरह से स्मूथली एडजस्ट किया हुआ है, ताकि बाइक के इंजन में से रियल परफॉर्मेंस मिले। उसके बारे में भी एग्जैक्टली डिटेल्स मुझे पता नहीं, ये सब चीज़ें मुझे बताई गई है लेटेस्ट 2019 RR 310 के ओनर ने। बट यार पुरानी बाइक के ऊपर इतने अपडेट कर रही है TVS, तो आई एम मस्ट श्योर 2019 के मॉडल के अंदर भी TVS ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस लाए होंगे। तो ये सब आप बात हुई थी अपग्रेडेशन ऑफ RR 310। सो अभी बात करते हैं थर्ड सर्विसेज की। तो थर्ड सर्विस में क्या होने वाला है, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, ब्रेक ऑयल आगे का और पीछे का वो टॉप अप होगा, कूलेंट टॉप अप होगा और चेन लूप होगी। सो मैंने जो है कूलेंट मेरा ऑलरेडी खुद ही टॉप अप कर लिया है, क्योंकि मैं मेरे साथ कूलेंट कैरी करता हूँ। एज यू गाइज नो आई डू सच अ लॉन्ग राइड्स। ब्रेक ऑयल भी फ्रंट और रियर मैंने ऑलरेडी टॉप अप किया है जस्ट 4000 किलोमीटर बिफोर। सो देख लेंगे कुछ कम हुआ है क्या, आई डोंट थिंक सो, जरा सा भी कम हुआ रहेगा। तो कूलेंट और इंजन ऑयल तो कुछ टॉप अप होगा नहीं हमारी बाइक के ऊपर। हाँ चेन जो है जो इस बार मैं उनसे क्लीन और लूप करवा के लूँगा, क्योंकि बनता है बॉस, नॉर्मल तो मैं ही करता हूँ, पर आते हम 6-6 महीने के बाद सर्विस सेंटर में यार, तो एक बार उन लोगों से क्लीन और लूप तो बनता ही है, तो वो एक करा लूँगा। और देखते हैं क्या क्या होता है, टैपेट वगैरह कुछ एडजस्टमेंट होती है नहीं होती है, वो आपको सर्विस होने के बाद तो बता ही दूंगा। तो चलो अभी मिलता हूँ अपनी RR 310 की थर्ड सर्विस कम्प्लीट होने के बाद। सो फ्रेंड्स इट 9:36 एंड आई हैव रीच हरे कृष्णा TVS। लेट्स सी अंदर का क्या प्रोग्राम है, कब नंबर लगेगा। वैसे आई टेक द अपॉइंटमेंट फॉर 10 o'clock। One eternity later. So friends, bike की service तो हो गई है, bike is here. Now let me show you what are the new improvements which I got on my bike. So आप लोगों को तो पता ही था during my last ride, taste of South India ride, उसमें मुझे vibrations इस seat के ऊपर बहुत vibration महसूस हुए। So regarding that मैंने बात कर ली यहाँ पे हरे कृष्णा TVS में, तो उन्होंने मुझे एक solution दिया है, और वो सॉल्यूशन करने के बाद मैंने अभी बाइक राइड करके देखी, हाई आरपीएम पे राइड करके देखी, जीरो वाइब्रेशंस। सो लेट मी शो यू व्हाट आर द चेंजेस दे हैव डन ऑन माय RR 310 सीट। सो ये रही सीट, उसको मैं बाजू में रख देता हूँ। तो अभी सीट्स की वाइब्रेशन हटाने के लिए एक यहाँ पे पैडिंग दी है, और एक यहाँ पे पैडिंग दी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैडिंग एक यहाँ पे है। लेट मी जूम इट, तो आपको और क्लियर राइड आ जाएगी। सो इतना बड़ा जाड़ा सपोर्ट डाल दिया है यहाँ पे, इट्स अ हार्ड मटेरियल स्पंज, आप देख सकते हो, मैं दबा के दिखाता हूँ आपको लोग। सो इतना हार्ड है ये, और सेम एक यहाँ पे भी डाल दिया है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो भी वाइब्रेशन है वो सीट के ऊपर के कम्प्लीटली चले गए, फ्रंट साइड पे ये दो और बैक साइड पे ये दो। तो सीट्स के ये जो एरिया है और ये जो एरिया है पीछे का, वो यहाँ पे प्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक साइड से वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम था जो मैंने लास्ट व्लॉग में फेस किया था, सीट्स के ऊपर बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे। काश ये चीज़ मैं 2 हफ्ते पहले करवा लेता यहाँ पे, जब मैं इशू अपडेट करने के लिए आया था। सो बैड ऑफ मी, सो इतना पेन मेरे बम को होता नहीं था। और तो मेजर चेंजेस तो कुछ नहीं है बाइक के ऊपर, तो क्या क्या चेंजेस किए बाइक के ऊपर बता देता हूँ। दे हैव चेंज द इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर फॉर जैसे मैंने बता दिया था कूलेंट, फ्रंट एंड रियर ब्रेक ऑयल टॉप अप था ही मेरा पहले से, क्योंकि मैंने खुद ही करवा लिया था। थर्ड सर्विस हो गई है, लेट मी शो यू द इनवॉइस कॉपी ऑफ माई थर्ड सर्विस। तो उसके ऊपर आप देख सकते हो नीचे लिखा दिया कि यहाँ पे वॉशिंग नहीं हुआ है, और जो चेन लूप उन्होंने लिखा है आई जस्ट थॉट कि यहाँ पे चेन लूप करवा लेते, बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे कि वॉशिंग बंद थी, उसके वजह से चेन लूप भी मैंने नहीं करवाया। चेन लूप और वॉशिंग के चार्जेस मैंने लिखे लिए इनवॉइस के ऊपर। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे विजिट करूँगा तो मैं वो चेन लूप और बाइक वॉश करवा लूँगा, विच इज़ गुड। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ हरे कृष्णा TVS के ऊपर, जो मेरा ट्रस्ट है ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन, एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो हियर इट इज़ मिस्टर अनिल। जब भी मेरी आर सर्विसिंग रहती है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल को कंफर्म कर लेता हूँ क्या मैं आऊँ, बिकॉज आई जस्ट नीड हिम ओनली टू बी प्रेजेंट इन द सर्विस सेंटर।
बिकॉज आई ओनली ट्रस्ट हिम. सो मैं अनिल से कंफर्म कर लेता हूँ, इफ़ यू अवेलेबल इन सर्विस सेंटर देन ओनली आई कम. एंड एक बार उसको चाबी दे दी ना तो वो खुद की गाड़ी समझ के पूरा काम करवा लेता है. सो आई नेवर हैव एनी प्रॉब्लम विथ TVS हरे कृष्णा इन पास एंड आई डोंट थिंक इन फ्यूचर टू, जब तक अपने अनिल साहब है. सो अनिल आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो इसीलिए बैठा ही हूँ आपको, मतलब सर्विस अच्छा दो. सो ना हो सके मेरे से कोशिश है, मैं अच्छा ही जाऊँगा. राइट. सो एनी ऑफ द RR310 ओनर फ्रॉम मुंबई, यू आर ऑलवेज वेलकम एट हरे कृष्णा TVS. अनिल इज ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक्स. सो एग्जैक्टली 5 बज चुके हैं, सुबह 9 बजे आया था मैं सर्विस सेंटर में. वाओ, वी हैव GTR. 5 बजे तक क्यों हूँ? क्योंकि देव भी आ गया यहाँ पे उसकी बाइक सर्विस कराने. वो रही देव की बाइक. सो देव जस्ट मेरी बाइक लेके गया फॉर टेस्ट राइड. सो उसकी बाइक के ऊपर सब ECU अपडेट्स, बाकी सब हैंडल बार एंड सब अपडेट करा लिए. सो सोचे के साथ निकलते हैं. यार पहले ज़माना था तब RR310 दिखती नहीं थी, अभी सर्विस सेंटर में आप देख लीजिए RR310 कितनी सारी हो गई है. यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे है, अभी RR310 ही RR310 हो गई हर जगह पे. सर्विस सेंटर में भी इतनी सारी थी. सुबह से मैं देख रहा हूँ अराउंड 10 या 15 RR310 तो आ गई रहेगी ओनली फॉर ECU अपडेशन. दैट इज़ द अनिल भाई, डू ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम फॉर बेटर सर्विस. हियर इट इज़ देव एंड वी हैव द देव्स बाइक हियर. सो नाउ देव इज गोइंग टू राइड इट्स ओन बाइक एंड टेल अस द डिफरेंस. साइलेंट हो चुका है देव का इंजन. सो दिस इज माय बाइक, आई ऑलरेडी शोन यू व्हाट दे हैव चेंजेस, द हेवी हैंडल बार एंड विच वी ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन सेकंड सर्विस, द वाइजर रबर एंड द चेन रोलर विच आई, द चेन रोलर एंड ECU अपडेट विच आई अपडेटेड बिफोर गोइंग माय कन्याकुमारी राइड. सो ओनली दिस टाइम आई व्हाट आई हैव डन द थर्ड सर्विस, द ऑयल चेंज, न्यू ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर इंस्टॉलेशन टू. So this is Samir. You can contact Samir also in case Anil is not present. Also special is for the RR310. He just now head back from 15 days of training from Bangalore. So finally Dev is happy with his bike. Yes, sad part is that their washing system is not working, so we couldn't wash our bikes. Still some chit chat is going on. दोस्तों अगर गाड़ी चाहिए तो ले लो यार, मजा आ जाएगा अभी तुम्हें चलाने में. बस लेके देखो फिर देखोगे चलाने का मजा. वर्थ अभी गाड़ी. रेयरली वी सी देव इज हैप्पी विथ हिज बाइक. एकदम मस्त गाड़ी होगी मस्त का. तो आचार का फटका लगे. ही सेइंग 2000 का फटका. सो उसकी भी थर्ड सर्विस हो गई मेरे साथ. लेट्स सी अभी जैसे देव पेमेंट करके आ जाता है वी विल लीव फ्रॉम हियर. सो आई थिंक इट इज़ बेस्ट टाइम टू क्लोज दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ द TVS सर्विस सेंटर टू. यू गाइज एनी हैव द कमेंट डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर इन कमेंट सेक्शन. ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू डू विजिट योर नियरेस्ट RR310 सर्विस सेंटर फॉर दिस अपडेट. दीज आर वर्थ अपडेट. एनी एवरी वन शुड गो एंड हैव देयर RR310 अपडेटेड. ऑल दीज अपडेट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो SPC शुड चार्ज फॉर देम. So make sure you don't pay any single penny for this updation. So if anyhow you guys like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend or forum, and still you haven't subscribed to my channel, then we are please do subscribe to my channel. Chalo ho gaya, tu happy ho gaya to main chalai kya dekhunga, main jaldi happy nahi aata hu na. So this is Sagar signing off. Bye bye. चलाएगी इधर, टेस्ट राइड कर रहा था. चलो भाई यही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगेंगे हम, अब देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है बाइक. बिफोर दैट ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स हु मेट मी टुडे इन सर्विस सेंटर, थैंक यू गाइस, थैंक यू. इट वॉज ग्रेट प्लेजर टू मीट यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स वंस अगेन. चलो 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 हाईवे चलो. ओह.
हो, फोर्थ गियर में जब 7 के RPM तब गए तो हैंडल बार पे इतने वाइब्रेशन नहीं मिले। ओह, लो एंड टॉर्क भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत। ये देख लीजिए, अभी वाइब्रेशन महसूस हुए 7.5 के बाद। ऑयल चेंज के बाद इंजन बहुत स्मूथ हो चुका है यार, बहुत स्मूथ। अब समझ लीजिए, ईसीयू अपडेशन के बाद बहुत इंजन साइलेंट हो चुका था, उसके बाद और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है आफ्टर ऑयल चेंज विथ एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर 2।